कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो ज़मीन पे नहीं आसमानों से बन के आते हैं, और ऐसा ही कुछ रिश्ता बना मेरा और बत्तूदा यानी कि आनंदिया घोष का। लेकिन ये रिश्ता इतनी जल्दी ही कुछ ऐसे मोड़ पे आ जाएगा ये नहीं पता था। हमेशा से एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरीके से हम दोनों का रिश्ता रहा। जब भी वो लखनऊ आते अक्सर मुलाकात होती, या कभी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती तो हमेशा वो एक बड़े भाई बनकर सलाह देते। चाहे मैं हूँ, चाहे कलकत्ता के और तमाम उनके दोस्त या और शहरों के भी लोग जो उनके साथ रहते थे या उनसे वाकिफ थे। बस यही कहूँगा कि जब जब कलकत्ता की बात आएगी आपकी याद दादा हमेशा दिल में रहेगी। और ये नहीं पता था दादा कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे। बस आज एक महीना पूरा हुआ आपका ये वीडियो देखा तो आपकी यादें ताज़ा हो गई। बस दादा आप जहाँ पर भी रहो ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। आप हमेशा दिल में थे, दिल में रहेंगे, और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जगह दिल में कोई और नहीं ले सकता। दादा ऑलवेज मिस यू।